यार, ये मेरी बिल्लो रानी, इसका लुक देखिए, सामने से एकदम BMW वाला लुक आ रहा है। और कुछ दिखाना है आप लोग को इसके बारे में, जो M में दिया है बस, और अभी किसी में नहीं आया है, शायद इसमें दिया है क्विक शिफ्टर, मतलब ये 2 RPM के ऊपर रहेगा ना, 2000 RPM के ऊपर, और 20 के ऊपर स्पीड रहेगा तो बिना क्लच दाबे हुए गियर चेंज हो जाएगा। इस गाड़ी में यही खासियत दिया है, ठीक स्पीड अच्छा खासा है। अभी स्पीड टेस्ट नहीं किए हैं लोग, क्योंकि परसों बाइक लेके आ रहे हैं, और पब्लिक का डिमांड था तो फर्स्ट वीडियो डाल दिए। अभी इसके बारे में बहुत कुछ है जो हम खुद नहीं जानते हैं, बट और इसमें गोल्डन सॉकर दिया है, USB सॉकर, ये शायद इंटरनेशनल सॉकर है, और ये प्रोजेक्टर लाइट दिया है इसमें, BRS, इसका लुक देख लीजिए आप। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, चारों इंडिकेटर एक साथ, दो लाइट, और ये दो चारों लाइट ऑटो है। इसके लिए बस आप अगर कोई और बाइक लेते हैं तो चारों, version 3 में ये सब नहीं था, version 4 में। और अभी मैं चला के देखूंगा इसका लुक कैसा लग रहा है, चलाने में कंफर्टेबल है या नहीं है, आपको दिखाते हैं आगे कंफर्टेबल है कि नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, और ये सीट थोड़ा चौड़ा कर दिया, और version 3 से आपको लगता है हल्का डाउन कर दिया उसको, और यहाँ दिया हुआ है डाउन और ऑफ करने के लिए, अब चाहिए डाउन और ऑफ कर सकते हैं बाइक को। और जो कुछ फीचर है इसके बारे में चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उससे कम है ये जो झुकता था उससे अच्छा है ये। अब चला के कभी देखिए, मैसेज करेंगे R1 M लेने के लिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब मैं इसको माइलेज टेस्ट करूँगा तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में